फ्रेंडली, स्मार्ट, इंटेलेक्चुअल या हार्मफुल। डेट्रीमेंटल का मतलब होता है जो चीज आपको नुकसान पहुंचा रही हो। जो चीज आपके लिए हानिकारक हो, हार्मफुल। फ्रेंडली, मित्रवत व्यवहार करना। स्मार्ट, जानते हो, इंटेलेक्चुअल, बुद्धिमानी। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? हार्मफुल इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल है ये, लीडर, एग्जिम, हेडमास्टर या कॉन्क्रीट। प्रिंसिपल इन द सेंस हेडमास्टर। लीडर तो नेता हो गया, एग्जिम कहावत, कॉन्क्रीट जो एब्स्ट्रैक्ट हो, जिसे केवल फील किया जा सके। नेक्स्ट, कमंस। ऑप्शन है सूट, स्टैंड, स्टॉप, स्टार्ट। इसमें इसका सेम वर्ड भी है और इसमें इसका अपोजिट भी है, लेकिन आपको बताना है सेम वर्ड। कमंस का आपके पास सेम वर्ड भी है, अपोजिट भी है, बट आपको सिर्फ और सिर्फ सेम बताना है। कमंस मींस किसी चीज की शुरुआत करना, किसी चीज की स्टार्टिंग करना। शूट मतलब गोली मारना, और स्टैंड जानते हो स्टॉप भी, स्टॉप इसका अपोजिट हो जाता। अगर इसके अपोजिट की बात करते तो वो आपका स्टॉप होता। नेक्स्ट, ब्रेक थ्रू। ऑप्शन है डिस्कवरी, कोइंसिडेंस, एक्सीडेंट और डिजास्टर। जो लोग भी लाइव आ चुके हैं वो लोग लाइक बटन पे भी प्रेस कर लें। ब्रेक थ्रू। ब्रेक थ्रू की बात करें तो ब्रेक थ्रू का मतलब है एक संयोग बन जाए। जिस काम को आप कर रहे हो उसमें कुछ पॉजिटिव आपको देखने को मिल जाए, ब्रेक थ्रू कहलाएगा। डिस्कवरी हो गया किसी चीज की खोज, एक्सीडेंट दुर्घटना, और डिजास्टर आपदा। नेक्स्ट, स्पिल। ऑप्शन है फीडर, एब्जॉर्ब, ड्रॉप और फिल्टर। स्पिल द बीन्स एक इडियम्स भी बनता है, आपको याद होगा। अब उससे जरा इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। स्पिल द बीन्स एक इडियम्स आपने सीखा होगा। स्पिल मींस किसी चीज को फैलाना, गिराना, तो हम कह सकते हैं ड्रॉप। फीडर पंख, एब्जॉर्ब किसी चीज को सोखना, और फिल्टर किसी चीज को छान लेना। नेक्स्ट, वैनर। ऑप्शन है मार्च, रैली, प्रोटेस्ट और पोस्टर। वैनर इन द सेंस पोस्टर। शुद्ध हिंदी बोल दी। रैली, जुलूस निकालना। प्रोटेस्ट, रक्षा करना, किसी को सुरक्षा प्रदान करना। एब्जॉल्व, पार्डन, अटैक, एक्यूज और कंडेम।
एब्जॉल्व मतलब किसी को दोष मुक्त करना। पार्डन माफी देना या दोष मुक्त करना। अटैक जानते हो, एक्यूज इसका अपोजिट हो जाता, इसका मतलब हो गया दोषी ठहराना, किसी को दोष देना। कंडेम मतलब किसी की निंदा करना। किसी की बुराई करना। नेक्स्ट बैंग। बैंग का आपको बताना है सिम वर्ड। थोड़े से कैमरा परेशान कर रहा है, पैनिक मत होना आप लोग। बैंग इन द सेंस किसी चीज से टकराना, उसे चोट पहुंचाना। किसी चीज से टकराना या किसी चीज को चोट पहुंचाना। सेंग, ये सिंग, सेंग और संग, ये आपकी वॉब की सेकेंड फॉर्म लिखी थी गाने की। रैंग, रिंग, रैंग और रंग, ये रिंग की सेकेंड फॉर्म लिखी थी। राइड मतलब सवारी करना। राइड बोले तो सवारी करना। नेक्स्ट पॉन्डर। ऑप्शन है टर्मिनेट, सेलिब्रेट, एजिटेट या फिर मेडिटेट। पॉन्डर इन द सेंस फ्रेजल वर्ब भी बनती है, पॉन्डर ओवर, तो मेडिटेट कर लेंगे। टर्मिनेट तो हो गया किसी चीज का अंत करना। सेलिब्रेट किसी चीज का जश्न मनाना। और एजिटेट मतलब किसी को भड़काना, किसी को भड़काने की कोशिश करना। नेक्स्ट सिमर। ऑप्शन है शिवर, शेक, क्वेक और साइन। इसे भी नोट कर लेना क्योंकि इससे मिलते जुलते इतने सारे वर्ड्स हैं, वो किसी ना किसी लेवल पे आपको परेशानी करते हैं। शिवर, शेक, क्वेक और साइन। सिमर मतलब चमकना। टिमटिमाना, चमकना या फिर हम टिमटिमाना कह सकते हैं, शाइन। कांपना, शेक हिलना डुलना, और क्वेक भी होता है कांपना। अर्थक्वेक इसी से बना है। नेक्स्ट लीवरेज। ऑप्शन है सजेशन, कंक्लूजन, वीकनेस और इन्फ्लुएंस। लीवरेज का सेम मीनिंग क्या होगा? सजेशन, कंक्लूजन, वीकनेस और इन्फ्लुएंस। लीवरेज इन द सेंस होता तो इसका मीनिंग किसी चीज का फायदा उठाना है, तो सजेशन कर नहीं सकते, कंक्लूजन कर नहीं सकते, वीकनेस कर नहीं सकते, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं क्या? क्योंकि इसका कोई मीनिंग तो सही है ही नहीं।
इसका कोई सुटेबल वर्ड तो हमें मिल ही नहीं रहा इसमें। लीवरेज का मतलब दरअसल होता है इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, वीकनेस नहीं। वीकनेस तो फिर टांगें टूट जाएंगी अंग्रेजी की, वीकनेस मत करो, लीवरेज कर सकते हैं। सजेशन जानते ही हो, कंक्लूजन और वीकनेस तीनों ही जानते हो आप। नेक्स्ट, अनकैनी, मिस्टीरियस, अनप्रोटेक्टेड, एक्सपोज्ड और प्लेन। कैनी मैं बता दे रहा हूं, कैनी का मतलब होता है जो इंसान बहुत चालाक किस्म का होता है। अब अनकैनी है, क्या उसे मिस्टीरियस कहेंगे, क्या उसे हम अनप्रोटेक्टेड कहेंगे, या फिर उसे हम एक्सपोज्ड कहेंगे, या फिर उसे हम प्लेन कहेंगे। सेम वर्ड चाहिए तो यहां मिस्टीरियस कह सकते हैं, जो मतलब उसके अंदर ऐसी क्वालिटीज होनी चाहिए जो रहस्यमय हो, मतलब इस गोले का लगे ही ना वो, इस गोले का लगे ही ना वो। लीवरेज मतलब फायदा उठाना, किसी के साथ अच्छा करना, किसी को किसी पर प्रभाव डालना। फायदा उठाना की मीन मतलब फायदा उठाना, फायदा उठाना की मीन मैं क्या बताऊं आपको। इसका मिस्टीरियस, अनकैनी मतलब जो इंसान, देखो कैनी का मतलब जरूर चालाक है, लेकिन अनकैनी बिल्कुल डिफरेंट है उससे, जिसका मतलब है जिसके अंदर एक डिफरेंट क्वालिटी हो, ऐसी क्वालिटी हो लगे कि इस गोले का है ही नहीं वो। अनप्रोटेक्टेड, असुरक्षित, एक्सपोज्ड, खुलासा करना, प्लेन, समतल। नेक्स्ट, इंटीग्रेट, ऑप्शन है सेपरेट, सेपरेट की स्पेलिंग याद रखना, एसिमिलेट, डिस्ट्रीब्यूट और डिस्वर्स। इंटीग्रेट मतलब जोड़ना, इकट्ठा करना, एसिमिलेट, सेपरेट अलग करना, डिस्ट्रीब्यूट बांटना, डिस्बर्स भी हो गया हटाना, तो एसिमिलेट आपका सही मीनिंग होगा। एब्सटेन, इससे प्रपोजिशन पूछा जाता है एग्जाम्स में, एब्सटेन मतलब किसी चीज से दूरी बनाना। रिफ्रेन, रिड्यूस घटाना, प्रपोज जानते ही हो, एक्सेप्ट स्वीकार करना। नेक्स्ट, केडेंस, ऑप्शन है हैबिट, प्लेजर, फ्रेशनेस और रिदम। केडेंस मतलब रिदम मिलाना, लय, ताल, हैबिट, आदत, प्लेजर, सुख, फ्रेशनेस, ताजगी। ये थे मेरी तरफ से सिलेक्टेड वर्ड्स जो आपके CHSL के लिए बेहद जरूरी है। इसका PDF चाहिए हो तो हमारे टेलीग्राम इंग्लिश विद संजीव सर या हमारे एप्लीकेशन क्लास 24 पर जाइएगा, डाउनलोड करके इसकी प्रैक्टिस करना और जितना हो सके उतना ज़्यादा रिवीजन करना। क्लास अच्छी लगी है तो लाइक बटन पे प्रेस करना,
शेयर कर सकते हो, रिवीजन जरूर करिएगा।